बहुत सी बार ऐसा होता है, देखा गया है कि लोग अच्छा कर रहे होते हैं अपने जीवन में, प्रोफेशनली पर्सनली, पर शादी होते ही तरक्की रुक सी जाती है। ऐसा क्यों होता है समझना चाहेंगे। जब भी जन्म कुंडली के अंदर, चाहे लड़के की चाहे लड़की की, मंगल तीसरे घर के साथ संबंध रख के बैठे हुए हो और या चौथे घर के साथ में संबंध खराब वाला रख के बैठे हुए हो, तो जैसे ही शादी होती है बेटा, सबसे पहले तो कमाई रुक जाती है, काम धंधे खराब होने लगते हैं। और वाकई में अगर इस तरह के, क्योंकि ये भी कुंडलियाँ होती हैं और इस तरह के हालात होते हैं, और अगर इस तरह के हालात हैं तो कैसे वाकई में एक अच्छी गृहस्थी जी जा सकती है, वो संभव नहीं है। इसलिए तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसे लोगों को खास तौर पे बेटा ये मंगल के उपाय ज़रूर करके चलने चाहिए। और ऐसा जब भी हो जाए कि जैसे ही शादी हुई काम धंधे खराब हो गए, तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, तीन धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, एक एक ग्राम मिलवा के इसका छल्ला बनवा के मियाँ बीवी दोनों को पहना दो। क्या फिर दूसरा उपाय, अब यहाँ मंगल को खुश कीजिए। मंगल को खुश करने के लिए हर मंगलवार को दूध के अंदर हलवा बनाओ और बना करके मंदिर में चढ़ा के ये बांटना शुरू कर दो। एक तो ये काम करो बेटा, और दूसरा 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के जल पड़ो। आप इन उपायों को करके देखिए। ये मंगलदेव मंगल कार्य के बाद जितनी बाधाएं खड़ी करते हैं उन सबसे निजात मिल करके बहुत अच्छी कमाई भी और बहुत अच्छी गृहस्थी भी ये आपको देने में पूरी तरह से सक्षम बनाए। खुश रहो गुरुदेव। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, करवा चौथ की बात है, अभी झगड़ों की बात करी कि कैसे प्यार बना रहे पति पत्नी के बीच में, पर अगर पत्नी नाराज है पति से और पति पत्नी से बात नहीं कर रहा है, तो रूठे पति और नाराज पत्नी को मनाने वाले उपाय भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। बेटा ये जो योग होता है ये दो तरह से फल देता है। कई बार क्या होता है कि पति पूरब में नौकरी करता है, पत्नी पश्चिम में करती है, वो भी कभी इकट्ठे नहीं हो पाते, और अगर वो इकट्ठे रहते हैं तो उनके मुंह पूरा पश्चिम हो जाते हैं। कहने का मतलब आपस में इतनी ज़्यादा गलतफहमी या खामखाई की बातें पैदा होती हैं जिससे कि वो घर में रहते हुए भी नहीं मिल पाते, एक दूसरे से अलग अलग सही हुए रहते हैं। ये योग आपको पति पत्नी दोनों की जन्म कुंडली सामने रख के आपको ये देखना चाहिए कि जन्म कुंडली के तीसरे घर के अंदर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली का जो तीसरा घर होता है ये घर में रहते हुए इंसान को घर का सुख नहीं भोगने देता, और नेचुरली बात है ये दोनों में से किसी एक की कुंडली में, और कई बार तो दोनों की कुंडली के अंदर ये योग मिलता है। और उस जन्म कुंडली के अंदर जो जो ग्रह बैठे हुए हों उस वक्त, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो अपने पास के पंडित जी से, यानी कि आप ये पूछ सकते हो कि इन ग्रहों की वस्तुएँ कौन सी हैं। जैसे सूर्य के लिए गुड़ गेहूँ भी होता है, ठीक है, बाजरा भी होता है, चंद्रमा के लिए चावल होते हैं, दूध होता है, मंगल के लिए गुड़ भी होता है और वैसे भी बहुत तरह की मिठाई होती है, हलवा भी होता है, बुध के लिए मूंग साबुत होती है, बृहस्पति के लिए चने की दाल होती है, और शुक्र के लिए सफ़ेद ज्वार भी होती है, सफ़ेद चंदन भी होता है, और शनि के लिए उड़द साबुत और सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, वो सब कुछ होता है। यानी कि जो भी ग्रह तीसरे घर के अंदर बैठे हुए हों उनकी वस्तुओं को लेकर के मंदिर में देना शुरू कर दीजिए, और जैसे जैसे आप रोज भले ही मंदिर के अंदर देते जाओ, नहीं तो वीकली देना शुरू करो बेटा, रोज दोगे तो बहुत जल्दी अच्छा फल आएगा। तो ये देना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा कि थोड़ी देर के बाद ही पति पत्नी बिल्कुल आपस में मिलने लगे, पास आ गए। अगर दूर दूर भी काम करते हैं तो उनका अपने आप जिंदगी के अंदर हालात ऐसे बनेंगे कि जिससे कि वो इकट्ठे रह के अपने परिवार को चला सके। तो बहुत जल्द ये भी योग बनाया जा सकता है। इसका इससे आसान तरीका आपको और कोई नहीं बताया जा सकता।